வந்தா பவரடி. அண்ணன் யாரு? हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ और जो बताने वाला हूँ ज़रूर ध्यान से देखिएगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ये वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि ये बहुत दुखद घटना है और हमारे चैनल पे पहला एक वीडियो है जो इतना इमोशनल और बहुत ही सैड है। अभी तक कि हमने ऐसा वीडियो डाला भी नहीं है और कभी आया भी नहीं है, लेकिन नागपुर रोड एक्सपीरियंस हमारा जो चैनल का नाम है वो यही एक मेंशन करता है कि हम लोग दिखाते हैं कि नागपुर में क्या होता है और सच्चाई क्या है। तो मैं आपको आज वो सच्चाई दिखाने वाला हूँ कि एक्चुअली जो एक्सीडेंट हुआ है, एक जो हर्षल नाम का लड़का था उसकी तो डेथ हो चुकी है 4 तारीख को, लेकिन नागपुर के लोकमत समाचार ने उसे ऐसा दिखाया गया है कि दोषी ठहराया गया है कि भाई गलती उसी की है। लेकिन मैं आपको सच्चाई आज पूरी दिखाने वाला हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ कि आज वीडियो को आप ये पूरा देखिए, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिए। अपने नागपुर का ही भाई है और मनीष नगर बेलतोड़ी में रहता है, जो अभी नहीं है हमारे बीच में, और जैसे आप मेरे साथ देख सकते हो कि दोनों भाई साथ में हैं। घटना नागपुर के बाईपास रोड की है जो रात दिन बहुत चलता है और टोल रोड है, लेकिन लोकमत समाचार का आपको मैं स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा वीडियो के एंड में, आप ज़रूर देखिएगा और पूरा ज़रूर पढ़ लीजिएगा। उन्होंने मेंशन किया है कि लड़के को दोषी ठहराया है और साथ में लिखा है कि रोड बंद था। मैं आपको पूरी रोड के स्पॉट के लोकेशन के साथ में आपको दिखा दूंगा कि कौन सा रोड है। तो मैं अगर आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके घर में लोकमत समाचार पेपर आता है ना, तो उसको बंद कर दीजिए और लात मार दीजिए, क्योंकि वो बिल्कुल भी आपके यूज़ के लिए नहीं है। पूरी झूठी खबर आपको दिखाया जाता है, रियलिटी मैं आपको आज दिखाता हूँ कि क्या एक्चुअली हुआ है। और बहुत अच्छा भाई था हमारे बीच में जो नहीं है, उसका इंस्टा आईडी का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो जहाँ पे ये घटना हुई है, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट जो हॉस्पिटल है उसके सामने की घटना है, और जहाँ पे जब हादसा हुआ तो उन्होंने भी हॉस्पिटल में एडमिट लेने से मना कर दिया और काफ़ी टाइम हो गया जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई है। एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि पुलिस ने उस जगह का इन्वेस्टिगेशन अभी तक के नहीं किया। अभी रिकॉर्डिंग 7 तारीख को हम कर रहे हैं और 4 तारीख की ये घटना है, तो ये बहुत ही कहीं ना कहीं लापरवाही भी हम बोल सकते हैं। लेकिन मुझे बहुत अफसोस इस बात के बारे में हुआ कि लोकमत समाचार न्यूज़ ने इतने अच्छे लड़के को इतना बुरी तरीके से दर्शाया है कि कोई भी ये खबर पढ़ के ना यही सोचेगा कि भाई अच्छा हुआ लड़का, जो लड़का दोषी है, क्योंकि उन्होंने मेंशन किया। आप पूरा पेपर ज़रूर पढ़ेगा, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि पार्टी उन्होंने किया था, उसके बाद में रोड बंद था, कितनी चूतियापंती है। यानी इन्होंने लोकमत समाचार ने पूरी तरह से जो लिमिट क्रॉस कर दी है न्यूज़ छापने में। रोड बंद था भाई, आप बताइए कि नागपुर का आउटर रिंग रोड कब बंद रहा है? रात दिन टोल चालू है, टोल रोड है, और वो रोड बंद है ऐसा मेंशन किया। जिसको इसके बारे में नहीं पता है रियलिटी, वो तो यही सोचेगा कि लड़के की गलती है, लेकिन लड़के की बिल्कुल भी गलती नहीं है। इसीलिए मैं आज इन्हीं के घर पे हूँ जिस भाई की डेथ हो चुकी है, ठीक है। तो इस वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पूरा ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इसी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं हमेशा आपके सपोर्ट के लिए, कभी भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है वो आपके लिए मदद के लिए ही है। आप उसमें कभी भी मैसेज कर सकते हैं, मैं हमेशा आपका साथ दूंगा, और ये चैनल आप ही का है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। बात क्या करे, क्या करे बात, जब न्यूज़पेपर वाले ही सब बोल रहे हैं हम क्या बोले। मैं ये बोलना चाहती हूँ, न्यूज़पेपर ने जो भी लिखा है, हैव द विजिटेड फ्रेंड्स, हैव द विजिटेड फैमिली मेंबर्स, हैव द विजिटेड एक्चुअल स्पॉट, हैव द कैमराइज इट, क्या किया आप लोगों ने? किसे बोलते हैं मीडिया? जो जो सही है, जो ट्रूथ है, उसे सामने लाना, यह है मीडिया का काम। अगर आप उस न्यूज़पेपर ने न्यूज़ दी है तो मैं उसे कॉपी करूँ, सिर्फ टाइटल बदल दूँ, मैं सिर्फ मेरे वर्ड्स उसमें डाल दूँ। अगर यही कॉपी कैट करना है आपको, थ्रो आउट योर प्रोफेशन एंड बी आउट ऑफ इट। नागपुर है ना आपकी सिटी, नागपुर है कैपिटल, सब कैपिटल। What is use of this development? मेट्रो आई है ना, अरे मेट्रो आई है, मेट्रो लायक हम हैं? मैं तो एक कारंजा वाशिम डिस्ट्रिक्ट धामनी खड़ी धामनी, कौन से गांव से हूँ, टाउन से हूँ, टाउन से
अगर ये होता है कैपिटल सिटीज में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में लाइक नागपुर, देन वॉट इज योर डेवलपमेंट? एंड ब्लाइंडली ब्लाइंडली न्यूज पेपर रीडर्स आर रीडिंग इट एंड दे आर बिलीविंग इट. वॉट इज यूज ऑफ सच रीडर्स? इट्स नॉट अ फर्स्ट एक्सीडेंट वॉट हैड हैपन देयर, इट्स अ थर्ड और फोर्थ केस देयर. क्या किया? तीन चार केस होते हैं, बाजू में कैंसर हॉस्पिटल होता है जो पेशेंट को फर्स्ट एड भी नहीं दे सकता, लास्ट हार्ट बीट्स में उसे हेल्प नहीं कर सकता. हॉस्पिटल है ये? अरे हम भी स्कूल में काम करते हैं तो फर्स्ट एड बॉक्स रखते हैं. सादी बस अगर चलती है ना, लाल डब्बा जिसे बोलते हैं, महामंडल, वो बस वाले भी फर्स्ट एड रखते हैं. आपने अगर बच्चे के लास्ट बीट शुरू थे उसमें उसकी हेल्प नहीं की, इस हॉस्पिटल का क्या उपयोग? बड़े बड़े दूर दूर गांव से लोग आते हैं कैंसर हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट के लिए. नागपुर का जब नाम निकलता है तो हॉस्पिटल की लिस्ट आती है, यहाँ का ये फेमस हॉस्पिटल है, यहाँ पे ये है, वो पे है. किस काम की है, किस काम के हॉस्पिटल और किस काम के डॉक्टर्स जिन्होंने मेरे बच्चों को फर्स्ट एड नहीं दी? वहाँ से दूसरे हॉस्पिटल में जाने तक उसके बीट शुरू थे. ही वॉज मूविंग हिज लेग्स एंड ही वॉज हार्डली ब्रीथिंग, बट ही कांट रीच, ही कांट रीच. What is use of this development? No, throw it out. Just throw it out. Publish what is real, his achievements. I want to share his achievements. What are his achievements? Mr. Fraser, second runner-up. What is his score for his last examination? 97%. A child who has done his education just by going there with bus, local bus. अरे जो बच्चा पॉकेट में 20 रुपए हो ना, उस 20 रुपए को ये सोच के बोलता था, मेरे 2 दिन की कॉलेज में जाने की मेरे 2 दिन की फीस है. वो बच्चा पार्टी में कुछ खा सकता है? जो बच्चा 5 रुपए की चॉकलेट नहीं लेता 20 साल की उम्र में, वो बच्चा पार्टी में इंटरेस्टेड होगा? बच्चे का चाल चलन, बच्चा कैसा है हमसे पूछो. दिल में आया लिख दिया. अरे क्या कर रहे हैं? नोबल प्रोफेशन, मीडिया, न्यूज़पेपर, एजुकेशन, दीज आर नोबल प्रोफेशंस. यू आर नॉट लीडिंग द टाउन, यू आर लीडिंग समबडी एल्स, यू आर लीडिंग समबडी एल्स. What is major issue? The child has lost. It's not major issue. Major issue is poor condition of road. काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, बड़े बड़े रोड बना रहे हैं, रोड पे क्या कर रहे हैं? कहीं पे भी कुछ भी डेब्रीज, मलबा डाल रहे, खड्डे खोद के रख रहे, और वो भी कैसे रख रहे? उसमें कुछ इंडिकेटर नहीं है, उसमें कुछ बोर्ड्स नहीं है, नो साइन बोर्ड्स, नो इंडिकेटर्स, नो वॉचमैन, नो डायरेक्शन, नथिंग, जस्ट विदाउट लाइट रोड्स आर देयर. बच्चा, हमारा बच्चा क्या था हमसे पूछो. जो बच्चा बिना लाइसेंस के जिसमें घर में आई हुई बुलेट को हाथ नहीं लगाया, जो बच्चा पप्पा को बोलता है, पप्पा जब तक लाइसेंस नहीं आएगा मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, ऐसा बच्चा रूल ब्रेक कर सकता है? हम यही बोलेंगे, आज हमारा बच्चा हमारे साथ नहीं है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट, बिकॉज ऑफ ई रिस्पॉन्सिबल कॉन्ट्रैक्टर्स, बिकॉज ऑफ ई रिस्पॉन्सिबल वर्कर्स एंड ई रिस्पॉन्सिबल हॉस्पिटैलिटी. Why we are focusing you? Why we are facing you today? Only to tell you. सिर्फ ये बताना चाहते हैं, आज जिस दर्द से हम गुजर रहे हैं ना, हमें ही पता है हमने क्या खोया. आगे किसी को इस दर्द से गुजरना ना पड़े, आगे कोई इस हादसे का शिकार ना हो, इसलिए हम सबकी आंखें खोलना चाहते हैं कि आप तो एक्शन लो, आप तो एक्शन में आ जाइए, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए, वरना कितने ही हर्षल हम गवा देंगे, कितने ही फ्यूचर स्टार्स हम गवा देंगे. तो दोस्तों, मैं अभी आपको जो रिकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ,
पेपर की जो स्क्रीनशॉट है जो इन्होंने मेंशन किया है कि एक्सीडेंट कार के साथ में चित्र दिखाया, जबकि इन्होंने रोड का ऑन द स्पॉट दिखाना था कि किस वजह से हादसा हुआ है। तो एक ही सवाल उठता है कि सभी पेपर वालों ने जो है रियलिटी क्यों नहीं दिखाई और गलत क्यों दिखाया है, जबकि वैसा कुछ भी नहीं है ना। जो लड़के का है वो हर्षल है, लेकिन सभी पेपर में हर्षद करके नाम लिखा हुआ है और उसकी ओवर स्पीड गाड़ी नहीं थी। सिंबल दिखाया चित्र की एक्सीडेंट कार के साथ में, बट वैसा कुछ भी नहीं है, रोड की गलती है। रोड पे जो है गिट्टी का पूरा ढीग रखा हुआ है जो आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा, तो वो भी नहीं दिखाया है। तो सवाल यही उठता है कि इन्होंने सच क्यों नहीं बताया? अगर ये लोग सच नहीं बता सकते, सच नहीं दिखा सकते, तो इनको झूठी खबर दिखाने का भी कोई अधिकार नहीं है। ये हमारा मेन मुद्दा है, इसीलिए मैं ये पूरा वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। यांनी अक्षरशः काही पण छापून माझ्या सर्वात चांगल्या आवडत्या लाडक्या भावाची इमेज पूर्ण खराब केलेली आहे. मी माझ्या भावाची गॅरंटी देतो, तो असा कधीच करू शकत नाही. तो ओव्हर स्पीडिंग कधीच करत नाही आणि माझा भाऊ कधीच रूल ब्रेक करत नाही. तो अक्षरशः हेल्मेट घालून होता तरी पण तो या रस्त्याच्या काम बरोबर पद्धतीने न झाल्यामुळे पडलेला आहे. याच्यात प्रशासनाची चुकी आहे, माझ्या भावाची काहीच नाही. ओव्हर स्पीडिंग आणि तो रूल कधीच ब्रेक करणार नाही, आम्ही याची गॅरंटी देतो. हे म्हणजे मनात आले ते छापू राहिले. लोगों का पूरी तरह से जो ब्रेन वॉश किया जा रहा है पेपर के माध्यम से, तो मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के कि पेपर के जो न्यूज़ आती है उस पर बिल्कुल भी यकीन ना करें। सब अफवाह और फेक होता है, रियलिटी जो है वो बताते नहीं है। रोड का किसी ने भी मेंशन नहीं किया कि रोड की गलती है, और मैं हमेशा रोड के वीडियोस बनाता हूँ, आपने देखा है कि जब भी रोड मिस्टेक होता है तो हम लोग उसका पूरा रोड का व्यूज़ दिखाते हैं। यहाँ पे भी मैं वही आपको पूरा दिखा रहा हूँ कि रोड की किस तरीके से कंडीशन है और रोड पूरा ख़राब है और बहुत दुखद घटना है दोस्तों। ये आज इनके साथ हुआ है, कल आपके साथ हो सकता है, कल मेरे साथ भी हो सकता है, ठीक है, तो ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो हमें इसके खिलाफ़ आवाज़ उठाना चाहिए और सबको आगे आके बोलना चाहिए। न्यूज़पेपर वालों ने तो अपनी नालायकी जो है दिखा दी है कि वो कभी किसी के नहीं हो सकते, और वो वही करेंगे जो प्रशासन उनको बोला जाएगा, और वो वही दिखाएंगे। तो पेपर पे कभी भी यकीन ना करें। एक अच्छे हंसते खेलते लड़के की जो है इमेज पूरी तरह से ख़राब किया है पेपर वालों ने, जो मुझे भी बहुत दुख हुआ है, बहुत अफसोस हुआ है इस चीज़ का। आम्ही लोकांना विचारपूस केली तर ते बाकीचे सांगत होते की हा ॲक्सिडेंट पहिला ॲक्सिडेंट नाही आहे, याच्या आधी पण खूप सारे झालेले आहे. कधीपर्यंत चालणार आहे? यांच्या निष्काळजीपणामुळे अजून किती जणांचा जीव जाणार आहे? माझा भाऊ महाराष्ट्र फॅशन वीकचा सेकंड रनर अप होता आणि त्याचं फायनल पण आता होती, तो जाऊ नाही शकला. तो आता आमच्या सोबत असता, फक्त यांच्या निष्काळजीपणामुळे झालेला आहे. आणि या गोष्टीचा हे पेपरवाले एकदम फायदा उचलू राहिले आणि काही पण छापू राहिले. हेलो दोस्तों, अभी मैं आपको जो चीज़ दिखाने जा रहा हूँ ना, ये ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक लापरवाही किस तरीके से लोगों की जान ले लेती है, मैं वो आपको दिखाने जा रहा हूँ। पीछे आप देख सकते हो कि नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल है, काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है ये नागपुर का। यहाँ पे बन रहा है और काम चालू भी है, और यहाँ पे पेशेंट्स भी लेते हैं, काफ़ी दिन से हॉस्पिटल चालू हो चुका है। लेकिन यहाँ पे ये जो रोड आप देख रहे हो मेरे पीछे में, ये रोड, ये नागपुर भंडारा से अमरावती जाने वाला आउटर रिंग रोड है नागपुर का, और यहाँ पे भी काम चालू है, क्योंकि इसी रोड पे समृद्धि महामार्ग 2 किलोमीटर पे स्टार्ट होता है, जो समृद्धि महामार्ग का टी पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, उसके लिए रोड का काम चालू है। लेकिन रोड का काम इतना लापरवाही से हो रहा है, बहुत लोग जानते हैं कि एक्सीडेंट होते हैं लेकिन वो एक्सीडेंट सामने नहीं आ पाते, क्योंकि रिपोर्टिंग के थ्रू या न्यूज़ के थ्रू वो सामने नहीं आ पाता। इसका मतलब ये नहीं कि एक्सीडेंट होते नहीं है, और लापरवाही नागपुर में भी रोड की लेकर बहुत ज़्यादा लापरवाही है। तो उसका एक उदाहरण मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है और यहाँ पर जो है मौत भी हो चुकी है, और वो मेरे साथ में है, तो मैं उनसे भी आपको बात कर रहा हूँ। पहले आप रोड देख लीजिए, यहाँ से ये इधर का रोड आने वाला है, और ये रोड जो आ रहा है यहाँ पे आप देखोगे कि इधर में सीधा आने के बाद में एंड होता है, और यहाँ से डाइवर्शन दिया हुआ है, और ये इधर से गाड़ियाँ आती है। लेकिन रात में जब स्पीड में गाड़ियाँ चलती है तो उस टाइम में रोड समझ में नहीं आता, क्योंकि किसी को भी लगेगा कि रोड सीधा अपने लाइन में सीधा है, लेकिन ये रोड यहाँ से जो है टर्न हो जाता है। आप देख सकते हो यहाँ से आपको टर्निंग दिखाई देंगी रोड की, और ऐसे ही कुछ समझ में ना आने की वजह से स्पीड बोले तो नॉर्मली कोई भी हो, रात में भी गाड़ी जो है 70-80 की स्पीड में भी चलाते ही है, वो तो ऑब्वियसली चलाते ही है,
लेकिन यहाँ रोड पे लाइट नहीं है और डायवर्शन का प्रॉपर जो है साइन नहीं लगा हुआ था। ये जो आप अभी देख रहे हो ये अभी यहाँ पे लगा के मंडाया है, जब एक्सीडेंट हुआ हो चुका है, डेथ हो चुकी है, उसके बाद में लगा हुआ है। और यहाँ पे जबकि अगर डायवर्शन रोड का है तो वहाँ पे प्रॉपर तरीके से रिफ्लेक्टर लगाने चाहिए और काफ़ी अच्छे बड़े बैरिकेड लगाने चाहिए और आगे भी साइन जो है आगे में साइन देना चाहिए कि भाई यहाँ से जो है रोड का डायवर्शन होने वाला है। तो मैं आपको मिलाता हूँ जिनके जो लड़के गुजर गए हैं या इस रोड पे, तो वो मेरे साथ में इन्होंने मुझे रोका और मैं वीडियो लेने के लिए जा रहा था समृद्धि महामार्ग का। तो इनसे आप रियलिटी जाने की क्या सच है? हमारे दोस्त के लड़के थे हर्षल उजव ने, काफ़ी यंग थे, 23 साल के, बहुत अच्छे लड़के थे, वो डिसेंट थे। तो 3 दिन बाद हम यहाँ पे आए स्पॉट पे कि हमारे बच्चे का कहाँ कैसे हुआ, तो मैं तो एकदम हैरान हो गया कि ये स्पॉट ऐसा देख के कि यहाँ तो बच्चे छोड़ो समझदार आदमी भी अगर आए तो एक्सीडेंट होना बिल्कुल बेशक वाजिब है, क्योंकि शाम का वक्त यहाँ पे कुछ भी दिखता नहीं है। और जो ये जो रोड आ रही है यहाँ से मिनिमम आप 45 या 50-55 के भी स्पीड से आएंगे तो आपको यहाँ आके मरना ही है, क्योंकि ये सीधा रोड आने वाला व्यक्ति ये समझता है कि यहाँ से ये रोड सीधी आ रही है, क्योंकि ये आने वाले यहाँ से आने वाले व्हीकल्स का जो लाइट आता है तो इसको वहाँ से वही मान के आता है कि अपन सीधा जा रहे हैं, पर यहाँ पे जो इस तरीके का ये जो है हमारे बच्चे का जो सीधा ही आ रहा था तो यहाँ से सीधा गाड़ी उसका उसे ज़रा भी अंदेशा नहीं था कि यहाँ कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन का या कुछ रहेगा, गाड़ी सीधी यहाँ से जाके अच्छा गाड़ी जंप करके यहाँ से सीधा वो गाड़ी यहाँ से फ्लाई हो गया। और हमारा जो एक लड़का था वो तो जगह पे ही स्पॉट हो गया, एक काफ़ी इंजर है, शायद भविष्य में वो रिकवर भी ना हो पाए। पर ये प्रशासन की इतनी बड़ी गलती है कि मैं इतना शौक हूँ कि ये ऐसा कैसा ये लोग कर सकते हैं। यहाँ तो मुझे लगता है कि शाम को यहाँ एक गार्ड होना चाहिए कि जो लोगों को बताए कि आपका डाइवर्शन यहाँ है, क्योंकि आप समझ ही नहीं पाते। अगर रात को यहाँ से आएंगे तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये रास्ता आ किधर से रहा है और जा किधर से रहा है। तो मेरी प्रशासन से गुजारिश है कि वो इसके तरफ ध्यान दे, नहीं तो लोग इसी तरह मरते रहेंगे। हमारे बच्चे के पहले भी यहाँ काफ़ी एक्सीडेंट हो चुके हैं, प्रशासन से यही निवेदन है कि वो इस स्पॉट का कुछ करे। ये बहुत बेकार स्पॉट है, आप देख के ही समझ जाएंगे कि यहाँ कोई बचना ही नहीं है। अगर आप आते हो तो ये एकदम खतरनाक स्पॉट है। ये यहाँ पे बाइक का निशान आपको मैं दिखा देता हूँ, ये टायर का निशान है, आप देख सकते हो यहाँ से जो है एक्सीडेंट हुआ है और यहाँ से जो है गाड़ी जंप करके उधर में जो है हुआ एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, कुछ भी चांस। तो अभी आप देख सकते हो पीछे में जो है कॉन्क्रीट का रोड यहाँ पे कम्प्लीट हो चुका है इतना में, और इतना रोड होने के बाद में इस तरीके से जो मटेरियल डंप करके रखा हुआ है तो ये सच में डेंजर है और किसी के साथ भी हादसा हो सकता है दोस्तों। इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा हाथ जोड़ के कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और किसी की जान ना जाए और इस तरीके के लापरवाही प्रशासन ना करे। और ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि जिस पे गुजरती है ना उन्हीं को पता होता है कि क्या होता है एक्चुअली एक्सीडेंट और इनकी लापरवाही। और ये ऐसे न्यूज़ ना कभी ना टीवी पे दिखाए जाते हैं और ना ही कभी न्यूज़पेपर में आते, क्योंकि प्रशासन सामने आता है ना फिर इसके लिए ऐसे न्यूज़ भी नहीं आते। अभी यहाँ पे 4-5 एक्सीडेंट हो चुके हैं, पास में हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ पे अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हॉस्पिटल भी एडमिट नहीं लेता, ये भी इन्होंने बताया यहाँ पे, और काफ़ी टाइम लग गया और उनकी जो है डेथ हो चुकी है। तो इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और जहाँ कहीं भी अगर ऐसी कोई लापरवाही होती है ना तो मुझे वीडियो ज़रूर शेयर करें, हम यूट्यूब पर ज़रूर डालेंगे दोस्तों, ठीक है। तो अभी मेरे साथ में जो एक्सीडेंट हुआ है उनके मम्मी पापा मेरे साथ में हैं, तो देख सकते हो कि बहुत दुखद घटना है और हम यही उम्मीद करेंगे कि ऐसा दोबारा कोई हादसा ना हो और इस पर प्रशासन ज़रूर ध्यान दे। तो क्या बोलते हैं अभी इनके माँ बाप, आप देख सकते हो ये बात कॉन्ट्रैक्टर व्यक्ति ने काय करायला पाहिजे होते की जिथे आपलं काम संपलं आहे तर मजुरांकडनं मलबा एका साईडला घेऊन घ्यायला पाहिजे होतं, साईडला करून द्यायला पाहिजे होतं, आणि इथे काही लावायला पाहिजे की इथनं रस्ता बंद आहे काम चालू आहे म्हणून, हे काहीच केलेलं नाही आहे, सरळ गाड्या येऊन राहिल्या आणि त्यावर आदळून राहिले आहे। साथ में पापाजी भी है, बहुत अफसोस हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुलगा तर हातातून गेला माझा, माझा मुलाचा ठिकाणी कोणत्या मंत्र्यांचा, खासदारांचा, आमदारांचा, कोणत्या मोठ्या व्यक्तीचा VIP मुलगा असता तर सरकार यंत्रणेने
लगेच त्याच्यावरती कारवाई केली असती. पण 4 तारखेला माझा मुलाचा ॲक्सिडंट झाला. इथे लावारी सारख्या सगळ्या यंत्रणा झोपलेली आहे. इथे कोणी साईवरती पाहत नाही. नावाला विकास होत आहे, पण ते विकासाचा मागे अर्धवट कामाच्या मागे आमच्या सारख्या सामान्य लोकांचा मुलगा जात आहे. मी एक सामान्य माणूस आहे, माझ्या कुठेच ओळख्या नाही आहे, कोणा मोठ्या व्यक्तीचं ओळखी नाही आहे. पण आता मी माझ्या परिवारासोबत इथे आलो पोरगा, पण तो जो गेला माझा मुलगा ह्या सरकारच्या ह्या अशा अर्धवट कामामुळे दुर्लक्षपणामुळे गेलेला आहे. जिथे स्ट्रीट लाईट नाही, डिस्प्ले नाही आहे, डायव्हर्शन बोर्ड नाही आहे, आणि माझा मुलाचा ॲक्सिडंट झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी इथे डायव्हर्शन बोर्ड लावलेला आहे, याला जबाबदार कोण? माझा तरुण पोरगा गेला माझ्या हातातून. काय नाव मुलाचं? माझा मुलगा हर्षल, प्रियदर्शनला शिकलेला, बीटेक झालेला मेकॅनिकल इंजिनियर. वाढदिवस होता, तो मित्रासोबत आपल्या मित्रासोबत वाढदिवशी पार्टी करायला आला होता. हॅलो, नाव काय? मी नंदकिशोर उजवणे, मारुतराव उजवणे. कुठे राहता तुम्ही? मी बेलतरुडीला राहतो, बेलतरुडी पोल्युशन जवळ राहतो आहे. ओके. अगदी माझा लाडाचा मुलगा, माझा मॅच्युअर्ड पोरगा. पेपरमध्ये वगैरे आलं होतं का? पेपरला आलं, 6 तारखेचा पेपरला आला आहे. प्रेस नोट दिली आहे त्यांनी, पोलीस स्टेशनमार्फत दिली कोणा, पण त्याच्यानंतर पुढे काहीच झालं नाही. आणि मी इथे चौकशी केली, आम्ही सगळ्यांनी इथे इथल्या गार्डला बरोबर बोललो, इथे याचा अगोदरसुद्धा 3-4 ॲक्सिडेंट झालेले आहे. आम्ही माझ्या मुलाचं ते सगळं बाईकचे सामान अस्तव्यस्त पडलं होतं, सगळं इथे विस्तृत झालं होतं. बाकी याचा अगोदर जे काही ॲक्सिडेंट झालेले आहेत त्याही गाड्यांचे इथे सामान आम्हाला दिसलेलं आहे. इथले कॅन्सर आहे हॉस्पिटल इथे बाजूलाच आहे, तिथे चौकीदार राहतात. इकडे एक चौकीदार आहे, त्यांचं म्हणणं आहे की साहेब याचा अगोदरी झालेला आहे, पण कोणी काहीच केलं नाही. इतकं चुकीचं डायव्हर्शन आहे. काय आर्थिक मदत वगैरे मिळाली का तुम्हाला? सर, आर्थिक फक्त असं आहे की पुढचा विकासाकरता तुम्ही विकास करताय, चांगली गोष्ट आहे. पण वेळचा वेळ कामं कम्प्लीट करा. जिथे अर्धवट कामं आहे तिथे डिस्प्ले द्या, म्हणजे सांगा लोकांना एक डिस्प्ले तुम्ही तिथे उभा करा की बा डायव्हर्शन आहे, काही आहे, किंवा इथून टर्निंग पॉईंट आहे. हां, ढिगारे पडले आहे साहेब. तुम्ही जर बघाल पिक्चरमध्ये व्हिडिओमध्ये ते सगळे ढिगारे पडलेले आहे. रात्री तर काहीच कळणार नाही. हे सामान्य किती हुशार पोरगा राहिला, माणूस राहिला, तरी या ठिकाणी अपघात होणारच आहे त्याचा. जसं की आप देख सकते हो. धन्यवाद सर. तो इस तरीके की कंडीशन्स है, हम उम्मीद करेंगे कि दोबारा ये हादसा ना हो और किसी की जान ना जाए. ये प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए. अगर ऐसा भी कुछ होता है तो बहुत गलत बात है, किसी के साथ भी हो सकता है. तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, क्योंकि ये आज इनके साथ हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है. तो ये ना हो. दोस्तों, आप जो लोकेशन देख रहे हो, यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था और ये सामने में हॉस्पिटल है. उसका एक्सीडेंट होने के बाद हॉस्पिटल में लेके गए, लेकिन हॉस्पिटल वालों ने अंदर लेने से मना कर दिया और उसका कोई भी इलाज नहीं किया और ना ही एम्बुलेंस प्रोवाइड की, जिससे दूसरे हॉस्पिटल के एम्बुलेंस आने में 20 मिनट लग गए और भाई ने दम तोड़ दिया.